और श्रद्धा मर्डर पर सबसे बड़ी गवाही सामने आई। मोटर मैकेनिक का बड़ा बयान आया। वो ये कहता है कि मैंने आफताब और श्रद्धा को साथ में देखा था फ्लैट में, और उसके बाद सिर्फ आफताब नजर आता था, श्रद्धा नहीं। ये ऑनलाइन खाना मंगवाते थे। आफताब को मैंने मोटर के बारे में भी बताया था, यानी कि बातचीत हुई थी। लेकिन जो बड़ी बात कही इस मैकेनिक ने, वो ये कहा कि मैंने श्रद्धा को एक बार देखा था, लेकिन उसके बाद श्रद्धा नहीं दिखती थी, सिर्फ आफताब दिखता था। सुनिए उसी की जुबानी। उनको देखा था और जब वो पिताजी एक साथ आते, तब उनका स्वभाव कैसा था, किस तरह का आपने उसी दिन देखा था? आते क्या मतलब, मैंने तो दोबारा फिर लड़के को देखा ही नहीं ना। अच्छा। बाकी लड़का ही ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाता था, वही नीचे तोड़ के आता था और अपना खाना लेके चला जाता था। देखने में तो कभी ऐसा लगा ही नहीं है, ना ही जब मैंने समझाया, जब बातों से लगा कुछ के इसके मन में कुछ ऐसा भी है या कुछ ऐसा कर सकता है। तो उसने आपसे बात की जब आप उसको समझाते हो? हाँ, उसने बहुत नॉर्मली तरीके से मतलब कि वो किया कि हाँ ठीक है, मैंने कि समझ गया आपके ये गेट वाले ऐसे ऐसे करा, ठीक है ऐसी बात। आपसे नॉर्मल तरीके से बात की उसने? हाँ, वो समझ रहा है उस चीज़ को। अच्छा, तो क्या आपको उस दिन कभी लगा इस तरह का कि अभी ये बार बार मतलब, जैसे आपको पता है कि दो जने रहते हैं लेकिन हमेशा एक ही क्यों दिखाई देता है, लड़की नहीं दिखाई दी? अब देखो, हमें तो ये भी नहीं पता कि उसकी बहन है कोई, या रिलेशन में कौन लगती है कौन नहीं लगती है। तो अब ये जब कांड हुआ है, मतलब उजागर हुई है ये बात, जब जाके पता चला है, नहीं तो हमें कुछ पता नहीं था कि इनके रिलेशन में कौन है कौन नहीं है। वो अगर जो किसी से बोलता चलता या पास पड़ोस से किसी से मतलब रखता तो उसकी जानकारी होती, किसी को जानकारी नहीं थी पास पड़ोस में। हाँ, ज़्यादातर उसका दरवाज़ा बंद ही रहता था ऐसे।